नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे डिस्कस 10 जून के करंट अफेयर और शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह डेली क्विज से। तो जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं उसको करेंगे सबसे पहले आंसर, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि अगर दिसंबर से लेकर मई 2021 तक की प्रत्येक महीने की PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। सारे प्रश्न, सारी व्याख्या, सारे तथ्य आपको एक साथ एक ही PDF में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 को आंसर करने की। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दो गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों में से कुछ लोगों ने लिखा है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है पी स्क्वायर। पी क्या है? पी है मोमेंटम, यानी कि इसको आप संवेग कहेंगे, तो पी स्क्वायर बाई 2m, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि पी को हमें दोगुना कर देना है, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी E1 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2p का होल स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू पी स्क्वायर बाई 2m। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पी स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर मिल गया आपको। और अगर आप दोनों को तुलना करें, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तुलना करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 गुना अधिक है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुना से बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी। हालांकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सही आंसर दिया है और अच्छा सॉल्व भी किया है। तो आज जो नाम मैं यहाँ पर फीचर कर रहा हूँ उसमें विराट सिंह और एक नाम और है यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छा आंसर है। तो नाम थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा अपने अगले वीडियो में। तो दोनों ही आंसर काफ़ी अच्छे रहे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात है रिवीजन की। तो कल के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे अभी हाल ही में मनाया गया था 8 जून को। थीम रही द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जो हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर पर रहा है, तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स को प्रतिवर्ष जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CBSE ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है? सही आंसर इसका होगा माइक्रोसॉफ्ट। लेनेट होम, एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जाएगा डेनमार्क में, तो इसके लिए मंजूरी प्राप्त हो गई है। सितंबर 2021 में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद, और ये विदेश मंत्री कहाँ के हैं? मालदीव के। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया गया था 7 जून को, याद रखिएगा, जिसकी थीम रखी गई सेफ फूड टूडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। और विश्व कीट जागरूकता दिवस ये मनाया गया था 6 जून को। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है सर्जियो पेरेज ने। किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका है केरल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, इसको नाम दिया गया है E100। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना चाहूँगा, कल जो प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस करवाए थे तो उसमें इसका आंसर गलती से E400 हो गया था, जो कि गलत है, इसका सही जवाब E100 होगा। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं अभिषेक बनर्जी। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की ये भतीजे हैं। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो गरीबों के लिए है, ये शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड थॉमस विजयन ने जीता है। तो ये हो गए कल के करंट अफेयर के सभी प्रश्न, और अब बारी है आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप चुनाव आयुक्त के बारे में पढ़ रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। और अभी हाल ही में भारत के जो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। आपको बता दें कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इसमें कुल मिला के एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी तक यहाँ पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, CEC थे, और एक ही EC थे, अब दूसरे EC भी आ गए हैं। इसका मतलब कि जो 3 का स्टाफ होता है इलेक्शन कमीशन का, वो अब पूरा हो गया है। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को ये जो वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ वो बायलिंगुअल होता है,
तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफी आसानी होगी, आपकी राय अपेक्षित है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अनूप चंद्र पांडे 1984 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति के बाद चुनाव आयोग में सदस्यों की संख्या एक बार फिर से 3 हो गई है। 12 अप्रैल को सुनील अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी बनाया गया था, और इसके बाद ईसी के रूप में केवल राजीव कुमार जी थे। अब एक दूसरे ईसी भी आ गए हैं, अनूप चंद्र पांडे जी। तो 3 का स्टाफ अब पूरा हो गया है, और अनूप चंद्र पांडे जी जिस दिन से अपना कार्यभार संभालेंगे उसी दिन से इनका जो कार्यकाल है वो प्रभावी होगा। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, चैनल अगर आपको पसंद है और चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग जरूर किया करें। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकानों के निर्माण के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है। देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर प्रश्न को गंभीरता से लेना है, और आपके त्वरित रिवीजन के लिए हमने वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करी है। इसके लिए आप studywithgyanprakash.com या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल studywithgyanprakash पर आ सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कुल मिला के 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें 3,61,000 मकानों को बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकानों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अवार्ड्स 2021 100 डेज चैलेंज यानी कि 100 डेज चैलेंज की शुरुआत भी की। इस मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों और लाभार्थियों के उत्कृष्ट योगदान और प्रदर्शन को पहचानने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की यह पहली बैठक थी, ये भी आप याद रखना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में निर्धारित समय के अंदर आवास निर्माण के काम को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक कुल 1,12,40,000 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 82,50,000 मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से 48,31,000 मकान लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। हाल ही में किस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए हैं? सही जवाब इसका होगा कांग्रेस, ऑप्शन सी। अब इसके बारे में बहुत अधिक डिस्कशन नहीं करूंगा, बस इतना ही बताना चाहूंगा कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। उनकी उम्र 47 वर्ष है वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा देश समुद्री थूक यानी कि सी स्लॉट या सी स्लाइवा जैसी समस्या का सामना कर रहा है? दोस्तों आप तस्वीर में देख रहे होंगे, यह एक प्रकार का झाग है जो कि थोड़ा सा लसलसा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो जल के अंदर, पानी के अंदर नहीं जा पाता है। जो जलीय जीव जंतु हैं वो तेजी से मरने लगते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को भी रोक देता है। इसमें अगर कोई भी जैसे कि पोत हो गई, नौका हो गई, जाती है तो उसके इंजन भी ये खराब हो जाते हैं। तो ये समस्या आ रही है तुर्की में, और इसका जो कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है, यहाँ पर तस्वीर में आप देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक बहुत ही कठिन समस्या है जिसका निवारण होना बहुत ही आवश्यक है। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे और अपने लोगों को इस परेशानी से बचाएंगे, क्योंकि समुद्री थूक की वजह से समुद्री जीवों और मछली व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पता करवा रहे हैं कि आखिर किस वजह से यह समुद्री थूक सामने आया, अगर यह प्रदूषण की वजह से हुआ तो उसका समाधान भी किया जाएगा। और इसकी वजह से, हालांकि जहरीला नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो तेजी से पनपने लगते हैं। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज ने सिर्फ 28 गेंदों में शतक जड़कर रिकॉर्ड बनाया है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पहले जो क्रिकेट मैच होते थे वो टेस्ट मैच होते थे, पूरे दिन भर चलते थे, उसके बाद फिर 50 ओवर का मैच शुरू हुआ, फिर T20 मैच आए, और अब T20 यानी कि 10 ओवर के मैच भी खेले जा रहे हैं। तो 10 ओवर के मैच में ही 28 गेंदों पर कुल मिला के 100 से अधिक रन बनाए हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज ने। सही ऑप्शन डी है।
तो पाकिस्तान के एक बल्लेबाज ने T20 के मैच में चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। नाम इनका मुसद्दिक अहमद। तो मुसद्दिक अहमद नाम के इस खिलाड़ी ने 7 चौके लगाए और 13 छक्के की मदद से 115 रन बनाए हैं, और ये पूरी उपलब्धि 115 रन उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में लिया है। तो मुसद्दिक ने कारनामा यूरोपियन क्रिकेट सीरीज T20 लीग में किया है। ओपनिंग करने वाले मुसद्दिक ने पहले ओवर में 26 रन बटोरे। उनका तेज रन से बटोरना इसके बाद जारी रहा और फाइनली उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बिटकॉइन को आप जानते होंगे। बिटकॉइन एक ऐसी मुद्रा होती है जो आभासी होती है, इसे आप वर्चुअली ही स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल बिटकॉइन की कीमत दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और कुछ देशों में इसे लीगल तो कुछ देशों में इसे इलीगल भी घोषित किया गया है। तो बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। सेंट्रल अमेरिकन देश अल सल्वाडोर ने दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है। वह बिटकॉइन को वैध करेंसी लीगल करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, और यही वजह है क्योंकि ये पहला देश है इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अल सल्वाडोर की जो आधिकारिक मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर है, जिसको आप USD कहते हैं, US डॉलर। देश में अमेरिकी डॉलर पहले की तरह वैध मुद्रा रहेगा और बिटकॉइन का उपयोग भी वैकल्पिक रूप से होगा। बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने का कानून 90 दिनों में पूरा हो जाएगा। 5 जून को राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा था कि वे बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा बनाने के लिए जल्दी बिल को पेश करेंगे। वन लाइनर करंट अफेयर के लिए आप studywithgyanprakash.com पर भी आ सकते हैं। किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? प्राणवायु देवता, अब आप समझ रहे होंगे प्राणवायु क्या होती है, ऑक्सीजन, उसके देवता कौन से होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो ऐसे वृक्ष जिनकी अवस्था 75 वर्ष से अधिक हो गई है उनको और अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हरियाणा ने एक योजना शुरू की है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। और इस योजना के अंतर्गत ये होगा कि मंथली 2500 रुपये पेंशन दिया जाएगा हर वृक्ष को, यानी कि जो लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं उनको प्रति वृक्ष के हिसाब से 2500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। बहुत ही सराहनीय योजना मैं मानता हूँ इसे, और काफ़ी इससे जो है लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो ऐसे वृक्ष जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है उनकी देखभाल के लिए 2500 रुपये मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा मुख्य न्यायालय है हाईकोर्ट है, वहाँ के जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है रविशंकर झा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है? तो ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, और इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंतर्गत। और ये कौन कौन सी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो एक तो हो गया आपका IISc बेंगलोर, जो कि अगर आप देखेंगे तो इसकी पोजीशन 100 में 37 है। IIT रोपड़ है पोजीशन 55, IIT इंदौर है 78 पोजीशन पर। टॉप 10 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है। पहला स्थान मिला है चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय को, दूसरा स्थान मिला है चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी को। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद के लिए 2022 से 24 की अवधि के लिए, यानी कि 2 वर्षों के लिए चुना गया है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, स्थापना इसकी हुई थी 26 जून 1945 को। वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं ओ जून। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है। और अब यहाँ पर याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। तो याद रखिएगा इसके बारे में, इसका सही आंसर होगा अभी हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया 8 जून को। हर साल पूरा विश्व 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाता है। यह खास दिन दुनिया भर के लोगों के बीच ट्यूमर से संबंधित जागरूकता फैलाने का प्रयास करता है। ब्रेन ट्यूमर डे को मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन डायचे हिरन ट्यूमर हेल्प की ओर से हुई थी। दोस्तों मैं आप लोगों को वन डे करंट अफेयर एक दिन बाद में इसलिए देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके। जैसा कि आप जानते हैं हमारा दिमाग जो कुछ भी आपने यहां पर पढ़ा 24 घंटे में मात्र उसका जो है
18% याद रख पाता है, लेकिन जैसे ही आप उसका रिवीजन करते हैं आपको उसका 90% दोबारा से याद हो जाता है। इसलिए आप लोग जो करंट अफेयर पढ़ते हैं या कुछ भी आप पढ़ते हैं उसका कम से कम रिवीजन करा करें। जैसे कि आज आपने पढ़ लिया, दूसरे दिन उसे आप दोबारा से एक बार रिवाइज करें और कम से कम 7 दिन के बाद उसे दोबारा से आप जरूर पढ़ें। तो कोई भी चीज़ जब आप 3 बार पढ़ते हैं तो ये आपकी दीर्घकालिक मेमोरी में चला जाता है और एग्जाम में आपके दिमाग में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका उत्तर देने लगता है कि ये इसका उत्तर होगा। यही वजह होती है कि जब लोग पहली बार जिस आंसर को टिक कर देते हैं वो आंसर सही हो जाता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड फैक्ट्स को याद रखता है, बशर्ते कि आप उसे 3 बार इस बात को याद दिला दें। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे, ये क्वेश्चन है आज का और इसका आंसर आपको लिखना है और पूरा डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जितना ही अच्छा आप आंसर लिखेंगे, जितना ही बेहतर आप प्रयास करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको यह प्रश्न याद रहेगा और एग्जाम में अगर प्रश्न आया तो आपसे बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।